क्या वजह है इसकी और इसके लिए क्या सावधानी बरती जा रही है? लखनऊ शहर जो है वो बहुत पुराना शहर है, यहाँ पर पेयजल व्यवस्था जो है वो 1885 के करीब आरंभ हुई थी, उस समय की भी लाइनें पड़ी हुई हैं और धीरे धीरे उनको बंद किया जा रहा है। अब पूरे शहर के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है कि पूरे क्षेत्र को रेनोवेट किया जा सके पेयजल की इस दृष्टि से। वर्तमान में भी हमें कुल मिला के 800 करोड़ मिला है, तो ऐसी स्थिति में समस्त पुरानी लाइनों का बदला जाना संभव नहीं है, उनके साथ जहाँ जहाँ आवश्यक होती है वहाँ बदल दी जाती है। तो ये होता है कि जब पानी प्रेशर से आता है तो जो पुरानी लाइनें हैं जिनमें जंग लग गया है तो प्रेशर से वो पानी जो है जंग वाला या गंदा पानी आता है घर पे, जिसको कि महसूस होता है कि सीवर की और वाटर लाइन जुड़ गई। प्राय तो यही होता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पब्लिक द्वारा जो है अनऑथराइज कनेक्शन कराने के चक्कर में खड्डा खोदा और वो सही तरीके से नहीं हुआ, या हाउस कनेक्शन का कार्य कर रहा है कोई आदमी, उसने सही तरीके से नहीं जोड़ा तो उससे लीकेज हो जाता है अंदर ही अंदर, और फिर जो आसपास से कोई नाला बह रहा है या सीवर जारी है तो उसको उसका पानी जो है वो पाइपलाइन जब बंद होती है सक कर लेता है, और जब सप्लाई होती है तो वो घरों में चला जाता है। लेकिन ये जो है बहुत ही कम ऐसा होता है, जनरली पुरानी लाइनों के अंदर जब प्रेशर जाता है तो वो उस तरीके की प्रॉब्लम आती है।